12 बजे भोगाव के नेशनल डिग्री कॉलेज पहुंचेंगे अखिलेश यादव, कार्यकर्ता सम्मेलन में संबोधित करेंगे अखिलेश यादव, और दोपहर 2:30 बजे कृष्णी नगला सड़क कलू लेखराजपुर पहुंचेंगे अखिलेश यादव। तो लगातार चुनाव प्रचार जो है वो तेज होता जा रहा है। मैनपुरी में उपचुनाव है, नेताजी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल सिंह यहाँ से चुनावी मैदान पर है, और समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज लीडर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश प्रताप सिंह विधायक जी मौजूद हैं, पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप जी मौजूद हैं, अभय सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, दीपू सिंह मौजूद हैं। योगेश जी से, अरविंद जी से मैं बात शुरू करता हूँ। सर, आप चुनाव में घूम रहे हैं, किस तरीके का माहौल देख रहे हैं? ये नेताजी की धरती है, यहाँ एक तरफा चुनाव है। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी श्रीमती डिंपल यादव पक्ष में पूरा मैनपुरी एक साथ खड़ा है। आदि अखिलेश यादव जी के नेतृत्व जहाँ विकास का काम हो सबको दिख रहा है। मेरा यह मानना है कि हम लोग यहाँ 96 के चुनाव में थे, हर चुनाव में आते हैं। जब नेताजी पहला चुनाव तब भी हम यहाँ थे। इतना बेहतरीन चुनाव पहली बार हो रहा, हर आदमी नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए तैयार है। तो अभी राकेश जी भी हमारे साथ मौजूद है। राकेश जी, इस चुनाव में आप भी घूम रहे हैं, किस तरीके का माहौल देख रहे हैं? लेकिन सरकार कहीं ना कहीं एड़ी चोटी का जोर लगा दिया हुआ है। देखिए, ये व्यक्ति के व्यक्तित्व का चुनाव है, माननीय नेताजी को श्रद्धांजलि देने का भी चुनाव है। तो डिंपल यादव को एक तरफा चुनाव जिता के माननीय नेताजी को, स्वर्गीय नेताजी को श्रद्धांजलि भी यहाँ की जनता देना चाहती है। और वैसे भी लगातार यहाँ मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, चाहे वो नेताजी रहे हों, चाहे धर्मेंद्र यादव जी रहे हों, चाहे तेज प्रताप यादव जी रहे हों, सबको जिताते आए हैं। और डिंपल यादव सबका रिकॉर्ड तोड़ने जा रही हैं, सबसे ज़्यादा वोटों से इस बार जीतने जा रही हैं। अब ओवरऑल देखा जाए तो ये चुनाव किस तरीके से आप अभी तक ऑब्जर्व कर पाए? जो बहुत विराट व्यक्तित्व था माननीय नेताजी का, उस विराट व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि देने जा रही है पूरी मैनपुरी की जनता। कैमरा दुर्गेश यादव के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, सैफई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए भारत समाचार।